कीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग, पढ़ लेना। चलते हैं यार, देखते हैं क्या है। बचपन जिंदा हो जाता है भाई हम लोगों का। कितना कितने करना है आज? आज 2 करोड़ कमाना है गाड़ी से। आज 3 लोगों का उठाना है। आजा भाई बैठ जाके, भाई बैठ जाके। अब पापा को बोलो 1 करोड़ ला के दे। Hi guys, welcome back to new vlog update series. I'm your host Akshay. This vlog आपका सपोर्ट हमारा भी सपोर्ट। अनुराग का किडनैप हो गया। देखो दरवाजा खोल दिया। ये जाओ तुम्हें खोल दो। हम लोग ऐसे ही उठे आज सुबह सुबह। हम लोग मतलब ऐसे ही उठे, फिर मनुआ की कहीं जाते हैं यार, कुछ करते हैं। तुमने कहा आज पुष्पा भाऊ को चलाते हैं। इसका नाम पुष्पा भाऊ है। हालांकि दूसरे काम से जा रहे हैं, लेकिन इसको चलाने को देंगे शायद। अखी लेट्स सी। भयंकर गर्मी लग रही यार। चूतिया बहुत देखे होंगे, लेकिन ये देखो साला ताला नहीं बंद कर पा रहा है। इग्नोर करो भाई मेरे बालों को। सुबह उठ के मेरी शकल ऐसे ही उजड़ा चमन जैसी रहती है। ताला नहीं बंद कर पा रहा, चूतिया अंजारे बंद करने। भाई चाबी कौन सी लगा रहे हो, यू बताओ पहले। बड़ी नहीं लगा। पहले ताला तो बंद करो। ठीक है भाई, पापा को बोलो वहां पैसे लेके आ जाए। हरामी मानुस भाई, गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो गाड़ी में नीचे हम का कर रहे। नू देखो इधर उधर का देख रहे हो। पेट्रोल पेट्रोल ऐसे करो, सब लग जाना चाहिए। ऑटोमेटिक में लगता है भाई वो। हाँ तो लेना भी करो। ऑटोमेटिक छक्के चलाते हैं। तो भैया का जी एनडी फट गया। पेपर दिया ही नहीं तो। भैया का जी एनडी फट गया चलाने में, चलाने के नाम। अबे मोटरसाइकिल जो बच्चा नहीं चला पाता है वो कार क्या चलाएगा। सपने लद्दाख जाने वाले, लद्दाख जाएंगे मोटरसाइकिल पे बम्बड़ी के। ये नहीं चलाएंगे तो हम ही चलाएंगे। ये पता है खानदान की ऐसी गाड़ी है जिससे सबने चलाना सीखा। इसमें आगे बोनट नहीं होता है ना, तो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल रहती है जो नए सीखने वाले होते हैं उनके लिए। तो भाई अनुराग से हम कह रहे थे भाई सीखना हो तो सीख लो, लेकिन पहले मोटरसाइकिल चलाना सीख ले, सॉरी स्कूटी चलाना सीख ले पहले। देखो 70-80 चल रही है, पता ही नहीं चल रहा। किनारे कितने करना है आज? इनका साइड में बुलाओ जरा के। तो भैया जरा किनारे आइए, ऐसे कुछ बात करनी है। गर्मी कितनी ज्यादा है। कहीं बाहर जाने का तो परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, चाय पी के वापस आने का। लोग चाय पीने जा रहे। देखो कुछ दिन ब्लॉग शायद ना आए, क्योंकि भाई एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो पढ़ाई लिखाई ज़रूरी है। ऊपर चली ना, पीछे से कोई उठा ले जी हमका। तो शायद कुछ दिन ब्लॉग ना आए क्योंकि एग्ज़ाम आ रहे हैं ना, तो उस वजह से थोड़ा सा उसमें टाइम जा रहा है। अभी ब्लॉग करेंगे तो एग्ज़ाम की GND फटेगी, इसलिए फोकस करेंगे कि पढ़ाई लिखाई हो जाए। और ब्लॉग तो वैसे भी आएंगे एग्ज़ाम के टाइम पे भी, क्योंकि जहाँ पे सेंटर गया गया है मथुरा एक्सप्लोर करूँगा एग्ज़ाम देते देते। तो मथुरा एक्सप्लोर करूंगा जिस दिन छुट्टी होगी एग्जाम के बाद ना। हाँ एग्जाम जिस दिन मतलब जैसे खत्म हो गया, तो बीच बीच में गैप है एक दिन, दो दिन का। तो लगभग 15 दिन वहाँ हम लोग रुकने वाले हैं, मथुरा एक्सप्लोर करेंगे। अभी प्लान बन रहा है, देखते हैं बाइक से जाते हैं या ट्रेन से। मेरा मन तो था बाइक से चलेगा हम। भाई चलाओगे? फंडामेंटल बता दी, ABC तो पता ही है। इधर एक्सेलरेशन, ब्रेक, फिर क्लच। कि जब भी गियर लगाओ तो स्टार्टिंग में तुम्हारी आदत पड़ेगी नीचे देख के लगाने वाली, वो आदत बिल्कुल ना लगने देना। जितनी देर में नीचे देखोगे गाड़ी उधर भग जाएगी। ऐसा मेरे साथ हुआ था। आपकी दीदी खड़ी थी क्या? सागर रहा तो पढ़ना कौन सा दूंगा। नीचे देख के कभी गियर नहीं लगाना चाहिए। मथुरा से किसी का उल्टा पड़ रहा है। हाँ बहुत उल्टा पड़ रहा है। हम लोगों को जाते जाते रोज इधर से निकलते ना एक मंदिर दिखा, मतलब रोज दिखता है। तो अभी हम लोग यहीं पे हैं, थोड़ा सा तारी भी है। तुमने कहा अनुराग से चलते हैं, नहाया नहीं है लेकिन मन साफ है। और इसका नाम है त्रयोदश ज्योतिर्लिंग, श्री खीरेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग। देखो इधर लिखा हुआ है, देखो पढ़ लेना। तुमने कहा चलते हैं यार, देखते हैं क्या है। ऑफ रोडिंग वहाँ पे गर्दा उड़ा दे। पीछे देखो तुम, खाली देखो एक। Oh.
अच्छा लग रहा है यार यहाँ पे तो। रुक रहा, थोड़ी देर ना उतरो, थोड़ी देर ना उतरो, थोड़ी देर ना उतरो, डस्ट आ रही। अच्छा लग रहा है यार, हम लोग बताओ आए नहीं यहाँ पे, चप्पल यही उतारना है। तुम बच्चन के पैर में चप्पल देख रहे हो, इज्जत से इधर उतार दो आके, इधर उतारो आके यार चप्पल। सही से उतार गया यार, यही तमीज सिखाए इतने बड़े हो गए हो। हाँ ये भी एक शिवलिंग है, हर हर महादेव। भाई कितनी यूनिक लग रही ना। अबे ताज्जुब की बात किया, तक हम लोग आए नहीं यहाँ पे। हम भी झूलेंगे बेटा, हमको भी झूला यार। अनुराग एक तुम्हारा एक मेरा भाई। बचपन जिंदा हो जाता है भाई हम लोगों का। जाओ झूला जाके बेटा, और चले अंदर मंदिर देखे अंदर है क्या। कितना अच्छा लग रहा है, कितनी शांति है भाई। हर हर महादेव, जय सिया राम। सुकून है वाकई में। नहीं है तो इतना भी यार नहीं करना चाहिए कि भगवान के पास बिल्कुल बैठे जाके, हालांकि मन साफ है, लेकिन हम सोच रहे हैं इतने दिन से आए काहे नहीं यहाँ पे। बहुत ही अच्छा है वक्त। अभी ये व्लॉग देखने के बाद मेरे दोस्तों की भीड़ यहाँ बढ़ेगी, हमको पता है। अभी पता है, अभी ये बन ही रहा है, अभी जब ये बन जाएगा ना तो आने वाले टाइम में यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ होगी, ये लिख के दे रहे हैं हम। नहा के आए होते तो प्रॉपर पूजा उजा करते, लेकिन नहा के ही नहीं आए थे। बन जाएगा ना तो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, तो किसी दिन नहा धो के प्रॉपर आएंगे यहाँ पे। आज तो ऐसे ही बस चलते चलते दिखा, तुमने कहा चल के देखते हैं क्या है। ओहो गर्दा उड़ा दिया भगवान के दरबार के सामने। क्या ये चढ़ पाएगी? एक सौ दस सीसी चढ़ गई या तो फिर 1000 सीसी। अरे हम लोग पता है बाराबंकी पूरा अभी एक्सप्लोर नहीं किए हैं। बाराबंकी में बहुत सारी ऐसी जगह हैं दिखाने वाली जो नहीं दिखाया है किसी ने, लेकिन हम ट्राई करेंगे इसी तरह कि दिखा पाए। ताला ना खोल पाओ तो हम लकड़ी चला दे तुम्हारे ऊपर। इधर ईंटा लगा दो भाई साले में। पीछे खड़ी ओला, ओला के बगल में वरेजा। ये ड्राइव होगी हम लोगों की सुबह सुबह, मजा आ गया। ऐसे कभी कभी रैंडम ड्राइव बन जाती है जाने वाली, कहीं पे ऐसा निकाल लिया चले गए। काफी टाइम पे खड़ी भी थी, तुमने कहा इसको चलाते हैं ना थोड़ा सा, वो तो अभी कल ही चली है। ड्राइव खत्म हुई, अब राइड करेंगे। चार पहिया से उतरे तो दो पहिया पे आ गए। नहा धो के बस अब किताब खुलेगी, और किताब तब बंद होगी जब तक ये किताब खत्म नहीं हो जाती। 30-40 पन्ने हैं, इनको खत्म करने के बाद ही अब फोन उठेगा। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बतानी है कि बहुत सारे लोग व्लॉग देखते हैं, उसके बाद जब पर्सनली हमसे मिलते हैं तो ये चीज़ कहते हैं कि व्लॉग में ही इतनी हाहा हूहू होती है, तो यार रियल लाइफ में भी इतना खुश रहते हो तो हाहा हूहू दिखता है, उसके बाद की जो लाइफ होती है वो एकदम डिफरेंट होती है। व्लॉग जब नहीं कर रहे होते, जब नॉर्मल लाइफ चल रही होती है, तब अपनी खुशी इससे भी ज़्यादा होती है। खुशी हमेशा इतनी रहती है जो ब्लॉग पे देखते हो ऐसे भी, और रियल लाइफ में ऐसे भी। जब आप हमसे मिलोगे तो आपको महसूस होगा। तो ये था, ये ख़त्म करते हैं, उसके बाद पहला प्रियोरिटी है इसको ख़त्म करना। घर से फुर्सत होके हो गई थी थोड़ी सी शाम, तो हमने कहा थोड़ा चलते हैं बाहर, क्योंकि घर पे बैठे बैठे अजीब सी कुड़न होती है। तो हम निकल आए प्लॉटिंग की तरफ, देख दाख के थोड़ी देर घूमना टहलना भी हो गया थोड़ी देर। अब निकल रहे हैं घर, वो खड़ी हमारी छोटी लड़िया। आज खाने में दम आलू रोटी, ऐसा लग रहा अंडा करी है ना।
ये बात। टीवी देखते देखते एंड ऑफ द डे हो ही गया है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख रहे हो तो अभी ये ब्लॉग करते हैं भाई खत्म। अगर अभी तक ब्लॉग देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो चैनल डेट सीरीज तक इंटरेस्टेड इन फॉर मोर न्यू ब्लॉग। तब तक के लिए बाय 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 बाय। ब्लॉग थोड़ा सा शायद गैप रहे बीच में क्योंकि भाई एग्जाम्स, कोशिश का थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन जैसे एग्जाम खत्म होते हैं वैसे ब्लॉग की ऐसा झड़ी लगा देंगे।